इंडियन आर्मी आज अपना 75वां सेना दिवस मना रही है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सैन्य ठिकानों और छावनियों में परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सेना दिवस के मुख्य परेड अभी तक दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में होती आई है, लेकिन इस साल यह परेड दिल्ली से बाहर बेंगलुरु में आयोजित की गई। बेंगलुरु के गोविंद स्वामी परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे भी पहुंचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मी और देश के वीर जवानों को बधाई दी है। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने सेवा दिवस के मौके पर कहा कि उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में स्थिति सामान्य रही है, एलएसी पर मजबूत डिफेंस बरकरार रखते हुए हम किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए तैयार हैं। जवानों को सभी प्रकार के हथियार, उपकरण और सुविधाएं प्रदान पर्याप्त मात्रा में दी जा रही हैं। आर्मी डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई संदेश लिखा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, सेना दिवस पर मैं सभी सैन्य कर्मियों, दिग्गजों और उनके परिवार को अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हर भारतीय को हमारी सेना पर गर्व है और हमेशा हमारे जवानों का आभारी रहेगा। उन्होंने हमेशा हमारे देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय उनकी सेवा के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा की जाती है। हिंसा को अस्वीकार किया है और सकारात्मक बदलावों का स्वागत करते हुए सभी सरकारी पहलों में बड़ी संख्या में जोर शोर से हिस्सा लिया है। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस के प्रयासों से हिंसा के मापदंडों में काफी गिरावट आई है, लेकिन कई प्रॉक्सी आतंकवादी तंजीमों ने अपने आप को विजिबिलिटी देने के लिए टारगेटेड किलिंग्स की नई अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।